आजादी के अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री भारत सरकार महिला एवं बाल विकास स्मृति ईरानी ने शनिवार को शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क स्थल में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। पत्थर गिरजाघर से चंद्रशेखर आजाद पार्क तक निकाली गई तिरंगा बाइक रैली में स्कूटी चलाकर शामिल हुई। रैली से आजाद पार्क पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने वहां पर लगाई गई शहीदों के जीवन वृत्त पर आधारित व पांडुलिपि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। तदुपरांत कार्यक्रम में उपस्थित जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मकसूद उल्लाह व अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने 9 महिलाओं की गोद भराई रस्म पूरी करते हुए उन्हें फल की टोकरी भेंट की। तत्पश्चात उन्होंने नेहरू युवा केंद्र व स्काउट गाइड के युवाओं को भी सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्र के 4 बच्चों को प्री स्कूल किट भी प्रदान किया। क्रांतिकारियों की इस पुण्य भूमि पर, इस मंच पर हमने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कर नई पीढ़ी नया संकल्प ले। इस कार्यक्रम में गोद भराई करने वाली बेटियां भी शामिल हुई। समाज की ये 4 पीढ़ियां एक ऐसे मैदान में उपस्थित हुए जिसकी माटी बलिदान का प्रतीक है। इसलिए आज ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में मस्तक झुकाकर उनसे ये आशीर्वाद मांगा कि अमृत काल में भारत राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले हर संकल्प को पूरा कर सके। हर भारतीय मात्र स्वयं ही नहीं बल्कि समाज भर को देखे कि हम सब सर उठाकर सदैव जीते रहे और जो सरहद पर आज तैनात है उनको एक हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहती कि हम आपके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। आपकी सेवा के लिए आपको और आपके परिवार को आभार व्यक्त करते हैं। आप यशस्वी हो, विजयी हो, हर हिंदुस्तानी की, हर भारतीय की यही मनोकामना है। धन्यवाद। इस अवसर पर सांसद फूलपुर केशरी देवी पटेल एवं सांसद प्रीता बहुगुणा जोशी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी ने किया।